गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने सेट थ्योरी जो प्रीवियस यूनिट में हमने पढ़े हैं, अगर वो क्लियर नहीं किए, वो अगर आपने नहीं पढ़े तो पहले आप वो क्लियर करना है, क्योंकि सेट ऑपरेशन ऑन सेट और उसके बाद जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये हम रिलेशन में पढ़ने वाले हैं। अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप जो है रिलेशन नहीं समझ सकते, ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से ये जो कंसेप्ट है यूनिट नंबर 3-4, इसमें भी अप्लाई होगा। इसलिए आपको सेट थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर करके रखना है। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, इट इज डिनोटेड बाई आर। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसका एलिमेंट क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जो है रिलेशन मीन्स क्या है, रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कोई सेट है, ए इज इक्वल टू सेट 1, 2 एंड बी इज द सेट a, b। तो ए क्रॉस बी, देखिए हमने ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये हमने सेट कैलकुलेट कर ली। अब इसके जितने भी सबसेट हैं, इसके जितने सबसेट हैं सारे के सारे जो है वो रिलेशन रहेंगे फ्रॉम ए टू बी, राइट है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ, आर इज इक्वल टू, अब इसका एक सबसेट बना लिया मैंने, इसमें से कुछ एलिमेंट ले लिया मैंने, इसमें से कुछ एलिमेंट ले लिया 1, a, 1, b, 2, a, तो ये हो गया ए क्रॉस बी का सबसेट और इसी को रिलेशन बोलेंगे। देखो इसके सबसेट कितने बनेंगे, टोटल इसके 2^4, इसके अंदर 4 एलिमेंट है तो 16, तो ए और बी के अंदर 16 रिलेशन बनेंगे, राइट है, 16 सबसेट आएंगे, राइट है। ये हमने पढ़े थे सेट थ्री में कि सबसेट कितने, पावर सेट पढ़े थे, राइट है। पावर सेट ऑफ, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट, मीन्स सेट के जितने भी सबसेट है उसको आपको क्या करना है, एक सेट में रख देना है और उस सेट को क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। और पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, तो सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो उसके अंदर जो एलिमेंट बनेंगे वो 2^n एलिमेंट बनेंगे, राइट है। तो यहाँ पे हमको सबसेट ही देखना है, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनने वाले, कितने सबसेट बनने वाले, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो 2^4 मीन्स 16 सबसेट बनेंगे। तो 16 जो सबसेट है, हर सबसेट को ए क्रॉस बी, हर सबसेट को क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे ए सेट ए से बी का, राइट है। क्योंकि रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो हर सबसेट को रिलेशन बोलेंगे। जैसा मैंने एक सबसेट बना दिया, और आप बहुत सारे सबसेट बना सकते, आर इज इक्वल टू सिंगल एलिमेंट ले लूँ, राइट है, 1, a, और आप बहुत बना और भी बना सकते, 2 एलिमेंट ले लो, 1, a और 1, b, राइट है। तो ये सारे के सारे जो है वो रिलेशन रहेंगे सेट ए से बी के, राइट है। तो रिलेशन मीन्स सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। If A ordered pair A comma B is the element of relation R, then we say A comma B, ordered pair A comma B belongs to R and written as A comma B belongs to R. तो ये notation तो already हम set में पढ़े हैं, set के element, अगर X जो है वो element है set का, तो हम उसको इस तरह से बताते हैं X belongs to A, right है, और इस तरह से लिखते हैं X belongs to A. तो रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है, मतलब रिलेशन का हर एलिमेंट जो है वो इस टाइप का रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, राइट है। तो एक्स कॉमा ए, ये एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और उसको आप इस तरह से लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अभी सेकंड नोटेशन भी आपको याद रखना है, आप इसको इस तरह से भी रीड करते हैं, ए रिलेटेड टू बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर को इस तरह से भी रीड करते हैं, ए रिलेटेड टू बी विद रिस्पेक्ट टू आर एंड रिटन एज ए रिलेटेड टू बी ए आर बी। ये जो ए आर बी लिखा है, ये ए रिलेटेड टू बी है, इसको रीड करेंगे ए रिलेटेड टू बी, और इसका मीनिंग होता है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर।
तो बहुत सारे एग्जांपल में आपको ऐसा लिखा रहेगा ए कॉमा ए रिलेटेड टू बी ए आर बी, तो इसका मीनिंग आप लेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, राइट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये नोटेशन ध्यान रखना है, एग्जांपल में कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकता है, इसलिए आपको नोटेशन ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट बिलोंग्स टू आर, इट इज डिनोटेड बाई डी ऑफ आर, दैट इज इसको अगर मैं बिल्डर मेथड के फॉर्म में डिफाइन करूँ तो डी ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ए, सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, राइट है। देखो रिलेशन में अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रहेगा तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या रहेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना देगी और उस सेट को डोमेन ऑफ रिलेशन बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिलेशन यहाँ पे लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू एक रिलेशन है वन कॉमा ए वन कॉमा बी टू कॉमा ए थ्री कॉमा सी, राइट है। ये है तो डो डी ऑफ आर, डी ऑफ आर क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वन है कॉमा, यहाँ ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो वन है, तो वन ऑलरेडी लिख चुके, सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते हैं, राइट है। उसके बाद यहाँ ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट टू और यहाँ ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट थ्री, राइट है। तो ये होगा डोमेन ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट है रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, डोमेन ऑफ रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट और रेंज ऑफ रिलेशन सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट बिलोंग्स टू आर, इट इज डिनोटेड बाय आर ऑफ आर। ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन का आर ऑफ आर क्या होगा, रेंज ऑफ रिलेशन होगा इसका सेकेंड एलिमेंट। तो ये ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट ए है कॉमा, ये ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट बी है, ये ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट ए है, ऑलरेडी हम ए यहाँ पे लिख चुके सेट में, ये ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सी है, तो रेंज ऑफ रिलेशन हो जाएगा इस रिलेशन का सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट है। तो नेक्स्ट है इसको बिल्डर मेथड से इस तरह से बता सकते हैं, आर ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट का सेट रहेगा, राइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ही। देखो द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए का मीनिंग क्या है, ए कोई सेट है और ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही, राइट है, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो है वो आर है। तो रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए मीनिंग ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ लिए और उसका सबसेट जो है वो आर है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ फॉर ऑल ए कॉमा ए, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट रहेंगे हर एलिमेंट के लिए सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट ए बिलोंग, ए इज इक्वल टू सेट है वन कॉमा टू एंड रिलेशन, मैंने एक रिलेशन कंसिडर कर लिया, रिलेशन जो है इस सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड है वन कॉमा वन वन कॉमा टू टू कॉमा टू, द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो देखो यहाँ पे दैट इज वन कॉमा वन टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सेट ए के अंदर जो है वो वन और टू एलिमेंट है, वन एलिमेंट के लिए वन कॉमा वन इसमें है और टू एलिमेंट के लिए टू कॉमा टू इस रिलेशन में है, इसलिए इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, राइट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये रिलेशन को ऐसे बनाता आर इज इक्वल टू वन कॉमा वन और टू कॉमा वन, राइट है, ये भी रिलेशन है इस सेट पर, सेट ए पर। अब इस रिलेशन में अगर देखेंगे तो वन कॉमा वन तो है लेकिन टू कॉमा टू नहीं है और टू जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, राइट है। तो सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे उतने एलिमेंट का सेम नंबर का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन में आना चाहिए, तो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, अदरवाइज
एक भी एलिमेंट का अगर सेम नंबर का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में नहीं रहेगा तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलेगी। सेकंड है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है हर एलिमेंट का सेम नंबर का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आर के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर एक का भी आ गया तो वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल ए सेट है और उसके ऊपर ये रिलेशन बनाया हूँ मैंने, आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 1, 2। सिंगलटन सेट है ये रिलेशन, तो 1, 2। अब इसके अंदर सेट के अंदर जो है वो कितने एलिमेंट है, सेट के अंदर टू एलिमेंट्स है, 1 है और 2 है, और एक का भी सेम नंबर का ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर नहीं है, 1, 1 भी नहीं है और 2, 2 भी नहीं है। रिलेशन आर इज इररिफ्लेक्सिव एज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज 1, 1 and 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयर फॉर दिस रिलेशन इज इररिफ्लेक्सिव। सेकेंड एग्जाम्पल है इफ ए इज इक्वल टू सेट 1, 2, 3 और इस सेट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये रिलेशन है 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3। तो दिस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, देखो सेट के अंदर जो है वो कितना एलिमेंट है, 1, 1, 2, 3। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता, अगर इसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तीनों एलिमेंट, तीनों के तीनों अगर एक भी एबसेंट है, तीनों के तीनों अगर इस रिलेशन में होते तो ये रिफ्लेक्सिव होता। इसके अंदर 3, 3 है, 2, 2 नहीं है और 1, 1 नहीं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, दैट इज 1, 1 and 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, राइट। सेकंड इररिफ्लेक्सिव के बारे में, द रिलेशन आर इज नॉट इररिफ्लेक्सिव एज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर सम ए। देखो इसके अंदर 3, 3 आ गए, राइट है, दैट इज 3, 3 बिलोंग्स टू आर। 3, 3 एक भी एलिमेंट सेट का एक भी एलिमेंट का सेम नंबर का ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में आता है तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होता है, राइट। तो इररिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ये सेम नंबर का ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं रहेगा। अगर 3, 3 यहाँ पे नहीं होता तो ये रिलेशन जो है वो इररिफ्लेक्सिव होता, ठीक है। तो नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी कोई ऑर्डर पेयर आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, तो रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू सेट 1, 2, 3 एंड द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए इज आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3। द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक एज फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वी हैव बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखो अब यहाँ पे दैट इज 1, 2 सेट में है तो 2, 1 भी है, राइट है, ये दोनों का पेयर। 2, 3 है तो 3, 2 भी है, तो ये रिलेशन कैसा है, असिमेट्रिक है। 3, 3 तो 3, 3 रहेगा, राइट है। तो ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, तो रिलेशन कैसा रहता है, सिमेट्रिक होता है। अब ये एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताना है इसी रिलेशंस के बारे में, इज दिस रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव और नॉट, इज दिस रिलेशन आर इररिफ्लेक्सिव और नॉट, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर मुझे आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सअप से बताएंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों, अगर है तो क्यों है, उसके बाद इररिफ्लेक्सिव है या नहीं है, अगर इररिफ्लेक्सिव है तो क्यों है, और इररिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है, राइट है। नेक्स्ट है असिमेट्रिक रिलेशन। द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड असिमेट्रिक इफ फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हर ए कॉमा बी जो R में है, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी जो R में है, उसके लिए B कॉमा A जो है R में नहीं होना चाहिए, हर ऑर्डर पेयर के लिए, राइट है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये रिलेशन जो है वो असिमेट्रिक रिलेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल ये रिलेशंस सेट जो है ए 1, 2, 3 और इस पर मैंने एक रिलेशन जो है वो डिफाइंड किया हूँ। द रिलेशन R इज असिमेट्रिक एज फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R, राइट है। तो देखो 1, 2 है इसमें, पहला ऑर्डर पेयर 1, 2, 2, 1 इसमें नहीं, राइट है। उसके बाद 2, 2 ये तो सेम नंबर का एलिमेंट है, 3, 2 है इसमें, लेकिन
टू कॉमा थ्री इसमें नहीं है, राइट है। तो देखो 1, 2, 3, 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2, 1, 2, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो ये रिलेशन जो है वो असिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू बी। तो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक कब रहेगा, जब अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए इस टाइप के दोनों ऑर्डर्ड पेयर आर में है, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट है। तो रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेट है 1, 2, 3, उस पर ये रिलेशन डिफाइंड है। द रिलेशन आर इज एंटीसिमेट्रिक एज ए कॉमा बी ए इज इक्वल टू बी व्हेन ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो देखो 2, 1 है इसमें, लेकिन 1, 2 नहीं है, तो इसके ऊपर तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 2, 1 और 1, 2 अगर दोनों होते तो फिर हम इसके बारे में सोचते। अब ये सेट अगर देखेंगे 2, 2, तो अगर आप इसको ए सपोज कर लिए और इसको बी सपोज कर लिए, तो a, b इसमें है, राइट है। और इसको अगर रिवर्स करें तो b, a भी यही सेट रहेगा, 2, 2 ही रहेगा। तो a, b और b, a दोनों भी यही सेट है और दोनों भी R में है, तो दोनों a और b जो है वो इक्वल है, तो 2 = 2 होता है। सेम जो है इसके लिए भी कर सकते हैं आप, राइट है। इसके लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि इसका पेयर इसके साथ नहीं है, 2, 1 है। अगर 1, 2 होता तो हम इसके बारे में सोचते। तो ये रिलेशन कैसा है, एंटीसिमेट्रिक है। उसके बाद ये इसी सेम सेट के ऊपर ये रिलेशन मैं डिफाइन किया हूँ 1, 2, 2, 1, राइट है। देखो 1, 2 और 2, 1 भी लाया हूँ मैंने। तो द रिलेशन इज नॉट एंटीसिमेट्रिक एज 1, 2 एंड 2, 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2 होता है। तो ये रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव If a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, देखो a comma b जो ordered pair, first ordered pair जहाँ पे end हो रहा है second element, मतलब ordered pair का second element, उसी second element से दूसरा ordered pair जो है वो start हो रहा है b comma c, then a comma c belongs to R, मतलब ये a ये b और ये b को आप यहाँ से delete करके दोनों ordered pair का, ये first ordered pair का first element और second ordered pair का सेकंड एलिमेंट से एक नया ऑर्डर्ड पेयर बनता है, और वो ऑर्डर्ड पेयर भी उस आर में रहेगा, तो ट्रांजिटिव रहेगा। तो रिलेशन जो है वो कैसा रहेगा, ट्रांजिटिव रहेगा। तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर आर में है, तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तो रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सेट ए है, उस पर ये रिलेशन मैंने डिफाइन किया हूँ, राइट है। तो इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव एज फॉर एवरी ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, वी हैव ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो फॉर एग्जाम्पल देखो 1, 2 एंड 2, 1 आर में है, 1, 2 एंड 2, 1, तो ये 2 और ये 2 को डिलीट कर दिए, तो 1, 1 भी आर में आना चाहिए, 1, 1 आर में है, राइट है। तो और भी पेयर बना सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2 एंड 1, 2 ये R में है, दोनों के दोनों पेयर R में है, राइट है। और यहाँ से ये 1 को डिलीट कर दो, यहाँ से ये 1 को डिलीट कर दो, तो नया पेयर क्या आना चाहिए, नया पेयर आना चाहिए इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसका सेकंड एलिमेंट 1, 2। तो 1, 2 जो है वो R में आना चाहिए, 1, 2 R में है, राइट है। तो राइट है, तो जो कोई भी ऐसे पेयर, ऐसे जो पेयर बनाएंगे, तो थर्ड एलिमेंट जो है वो आर में आएगा, तो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रहेगा। अगर एक भी पेयर ऐसा बनता है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में है, लेकिन ए कॉमा सी आर में नहीं है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल ये सेम सेट है, उसी सेट के ऊपर एक दूसरा रिलेशन जो है वो डिफाइन किए, ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव As for sum a comma b and b comma c belongs to R, but a comma c does not belongs to R. So 2, 3 and 3, t belongs to R. 3, 2 belongs to R, but 2, 2 does not belongs to R. ये 3, 3 यहाँ से डिलीट गई, तो 2, 2 भी R में आना चाहिए, लेकिन 2, 2 जो है वो R में नहीं है, इसलिए रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्पैटिबल रिलेशन,
रिलेशन आर इज सेट टू बी कॉम्पैटिबल इफ इट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो कॉम्पैटिबल रहेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, द रिलेशन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस, द रिलेशन आर इज सेट टू बी, यहां इक्विवेलेंस आना चाहिए, इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रहेगा तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, द रिलेशन आर इज सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर इफ इट इज रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन द रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो ये तीनों डेफिनेशन भी याद रखना है, इसके फिर बहुत सारे एग्जाम्पल पूछते हैं रिलेशन कॉम्पैटिबल है या नहीं है। तो कॉम्पैटिबल है या नहीं है मीन्स आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बताना पड़ेगा, राइट। इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर है तो क्या बताना पड़ेगा, रिलेशन को आपको शो करके बताना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए क्या शो करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये बाकी चीज़ें जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है ताकि एग्जाम्पल में जो है वो कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ अन रिलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।